पत्थर की मूर्ति बनाने में अपनी भास्कर बहुत ही नामी थे, उनका बहुत नाम था। और एक और विषय में बहुत नाम था, वो था गीत। वे बहुत ही सुंदर सुंदर भक्ति गीत गाते थे, जैसे वे पत्थर काट के देवताओं के मूर्ति बनाते थे वैसे ही गीत। वे जमींदार के घर काली माँ की मूर्ति बनाकर 200 रुपये मजूरी लेके वापिस आ रहे थे, और साथ में उनका नाती था। बेटे जल्दी जल्दी चलो, 4 कोस दूर जाना होगा, रास्ते में एक घना जंगल है, शाम होने से पहले उस जंगल को पार करना होगा। लेकिन अब भास्कर की ये गलत फहमी थी, जब तक वो जंगल पहुँचे तब तक शाम ढलने वाली थी। जी अंधेरा हो गया, सुना हूँ जंगल में डकैत आते हैं, क्या करेंगे बोलिए। हाँ डर मत बेटे, भगवान का नाम लो और चलो, ठीक रास्ता कट जाएगा, चल मेरे साथ चल। चांदनी रात थी, चांदनी रात की रोशनी में अवनी भास्कर और उसका नाती चलते रहे। कौन हो तुम लोग? मैं अवनी भास्कर, तुम कौन हो? अच्छा आप ही है वो भास्कर जी? हाँ नमस्ते, मैं हूँ पशुपति, यहीं पे रहता हूँ। लेकिन आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? रतनपुर गांव से आ रहा हूँ, वहाँ काली माँ की मूर्ति बनाने गया था, अभी वापिस आ रहा हूँ। तो पशुपति बताओ जंगल कब खत्म होगा? तेज चलने से और 1 घंटा लगेगा, लेकिन ये रास्ता ठीक नहीं है, कुछ डाकुओं ने एक आदमी को अभी मरा है। ये क्या, अब क्या होगा? आज रात को आप लोग हमारे कुटिया में रह जाइए, कल सुबह चले जाइएगा। आइए आइए मेरे साथ। ठीक है चलो। आइए इस कुटिया में बैठिए, आप लोगों के लिए मैं कुछ खाने का बंदोबस्त करके आता हूँ, बैठिए। दोपहर में बहुत ज्यादा खा लिया, इसीलिए रात में कुछ नहीं खाऊंगा। ऐसा कहने से होगा? हाँ आप लोग मेरे अतिथि है, नहीं खाएंगे तो गृहस्थी का मंगल होगा। मेरे भाई का 3 गाय है, बहुत दूध देती है, वहीं से आप लोगों के लिए 1 लोटा दूध ले आता हूँ। पति भैया बाहर से कुंडी क्यों लगाए? कुछ दिनों से एक बाघ बहुत अत्याचार कर रहा है, लोगों के घर में घुसकर सबको खा जा रहा है। लोग थके हुए हैं, अगर सो गए तो, और आप लोगों को सोते हुए देख के बाघ अगर आके आप लोगों को खा जाए तो, इसीलिए बाहर से कुंडी लगा दिया हूँ, समझे? नाना जी उस बक्से में क्या रखा है मैं देखूं? हाँ ये समझ करो बेटे, देखने दीजिए ना मुझे। ए क्या नाना जी जल्दी आइए, देखिए क्या है। ये देखिए
तीर भाला कटारी, लग रहा है पशुपति डाकू है, क्या करेंगे नाना जी? तुम लोग कौन हो? मैं अपनी वस्कर हूँ और ये मेरे नाती। आप है अपनी भास्कर, आपके चरणों में इस बुढ़िया की सोकोटी प्रणाम। आप कौन है? पशुपति की माँ हूँ, मेरा बेटा बड़ा ही अजीब है, रास्ते के अतिथि को घर ले आता है, खिलाता है पिलाता है, मगर वो अतिथि सुबह से पहले ही चले जाते हैं। हाँ, उन लोगों से मेरी मुलाकात ही नहीं होती है। पशुपति क्या काम करता है? कहता है एक बड़े से गांव में वो रात में पहरेदारी करता है। सुने हूँ आप बहुत ही भगवान के नाम गाना गाते हैं, थोड़ा एक गाना सुना दीजिए। हाँ ठीक है, पूरे गांव वालों को बुलाओ और सब मिल के सुनो। हाँ कुछ देर बाद पशुपति की माँ अपने गांव के पूरे लोगों को अपने आंगन में बुला ली। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे। इधर पशुपति अड़ोस पड़ोस के गांव के दुष्ट दोस्तों को पकड़ के लाया, लेकिन अपने आंगन में भीड़ देख के चुपचाप चला गया और अपनी भास्कर अपने गीत में सबको नील कर लिया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। देखते ही देखते सुबह हो गई, होते ही अपनी भास्कर अपने नाती और पैसे की पोटली लेके अपने गांव रवाना हो गया। बहुत सदियों पहले उत्तर हिमालय पर एक छोटा सा गांव था। उस गरीब गांव में एक गरीब परिवार का लड़का था परासर। अपने पिता के साथ रहता था। वो कम आयु में ही अच्छे अच्छे मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां बनाता था। लेकिन तो जीवन भर मिट्टी का बर्तन बनाएगा? ये सब को छोड़ के पढ़ाई में मन दे बेटा। सुन, जल्दी से तैयार हो जाओ, कल सुबह ही हम लोग रवाना होंगे। कहाँ जाएंगे पिताजी? पास के गांव शेरपुर में ऋषि मुनि के आश्रम में। वहाँ जाके तुम अस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान प्राप्त करना। प्रणाम गुरुदेव। कौन हो बच्चा तुम? मैं केशव हूँ, मैं एक कुम्हार हूँ, शिवपुर से आया हूँ। ये मेरा इकलौता बेटा है, इसे अपने चरणों में रख लीजिए गुरुदेव। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा बेटा मेरे जैसा कुम्हार बन कर रहे, ज्ञान प्राप्त करके एक अच्छा इंसान बने। ठीक है तुम निश्चिंत होकर घर जाओ केशव, वो मेरे पास रहेगा। उसके बाद ऋषि मुनि के आश्रम में परासर ज्ञान प्राप्त करने लगे। आश्रम के सभी बालकों में से परासर सबसे ज्यादा ज्ञान में अव्वल था। तुम्हें गुरुदेव बुलाए हैं। ठीक है, तुम लोग जाओ, हम लोग आते हैं। यह है चंद्रपुर के महाराज चंद्रसेन। ये बड़े संकट में पड़कर आए हैं। क्या हुआ है?
कुछ दिनों से चंद्रपुर पर एक समस्या अनपरी है। राजमहल से, नगरों से दिन पे दिन लोग गायब होते जा रहे हैं। क्या हो रहा है? लोग कहाँ गायब हो जा रहे हैं? पता नहीं। तुम लोग बुद्धिमान हो, वीर हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों ही इस समस्या का समाधान करो। क्या करना होगा बताइए। ये लो सोमदत्त, इस चक्र को अपने पास रखो। मुसीबत में काम आएगा। और ये लो परासर, ये अपने पास रखो। अगर जरूरत पड़े तो इसे इस्तेमाल करना। धन्यवाद गुरुदेव। अब तुम लोग पश्चिम के जंगलों की तरफ निकल पड़ो। वहां जाके भृगु से मिलना। भृगु कौन है? वो सर्वज्ञानी है। वो सब कुछ जानते हैं। क्या घटना है वो तुम दोनों को बता सकते हैं। प्रणाम रिसीवर। किस लिए तुम दोनों यहाँ आए हो? रिसीवर, चंद्रपुर के प्रजाएं बहुत ही मुसीबत में पड़े हैं। वहाँ के लोग जब तब लुप्त हो जा रहे हैं। यहाँ से पश्चिम दिशा के ओर 20 कोस दूर एक दानव नगरी है। ये उन लोगों का ही काम है। चंद्रनगर के लोगों को अगवा करके ले जा रहे हैं और उनको अपना आहार बना रहे हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए तुम दोनों को वहां जाना होगा। जाओ, तुम दोनों जाओ। उसके बाद परासर और उसके दोस्त दोनों निकल पड़े दानव नगरी के ओर, ऋषि मुनि के बातों के अनुसार। हाँ, कितना बड़ा महल, लेकिन ये खाली खाली क्यों है? पूरा खाली है। बचाओ, बचाओ, बचाओ मुझे, मेरी रक्षा करो, बचाओ। अरे वो देखो पिंजरे में कोई है। बचाओ मुझे, बचाओ। हाँ, रुकिए। लीजिए, बाहर निकल जाइए। धन्यवाद। कौन है आप? मैं चंद्रकांता, स्वर्ग की अप्सरा। दानव मुझे छोटी सी गुड़िया बना के पिंजड़े में बंद करके रखा था, लेकिन तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो? हम लोग उसे मारने आए हैं। उस दानव को मारना इतना आसान नहीं। इस महल के नीचे एक काली माँ का मंदिर है। उस काली माँ के हाथ में एक स्वर्ण दंड है। उसी दंड में उस दानव का प्राण है। उस दंड को तोड़ दोगे तो दानव मर जाएगा। ए पूजे खत्म होने के बाद मैं अमर हो जाऊंगा। ये सपना तेरा कभी पूरा नहीं होगा शैतान। तुम लोग कौन हो? यहाँ पे क्यों आए हो? तुम लोगों का इतना बड़ा हिम्मत? हेलो, दोस्त, वो दंड तोड़ दो। ये ले शैतान। यहाँ पे लेकिन महाराज, दानव को मारने के लिए इन दोनों को वीर नहीं कहा जा सकता है महाराज। बेताल, दानव एक मायावी था, इसीलिए उसे मारने के लिए दोनों ने मायावी शक्ति का प्रयोग किए, इसीलिए दोनों को वीर कहा जा सकता है। समझे बेताल? इसलिए अब मैं चला महाराज। हा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 
बड़े बड़े पेड़ों से भरा था एक जंगल। उस जंगल में तरह तरह के जीव जंतु रहते थे और इसी जंगल के वासिंदे थे एक हाथी और एक कछुआ। दोनों एक दोपहर को पेड़ के नीचे बैठे बातें करने में व्यस्त थे। तभी ओहो, इतने साल इस जंगल में कट गए, पर इस बार की तरह गर्मी पहले कभी नहीं देखी, है ना कछुआ भाई? सही बोला ना? ठीक कहा गजराज, बहुत गर्मी है इस साल, गर्मी तो सही ही नहीं जा रही। हाँ, प्यास तो बहुत लगती है, चलने फिरने में ही पसीना आ जाता है। हाँ सही कहा, हिलने डुलने का भी मन नहीं करता। ऐसे ही बातें चल रही थी दोनों दोस्तों में और तभी वहाँ हुआ एक खरगोश का आगमन। उसके बाद अरे रे ओ खरगोश, ऐसी गर्मी में कहाँ जा रहे हो भाई? क्यों पूछ रहे हैं आप? अरे इस गर्मी में सबका बुरा हाल है, चलने फिरने का मन नहीं करता और तुम टहल रहे हो भाई। इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, बल्कि मेरा शरीर और ज्यादा स्वस्थ रहता है। मेरी तो यही राय है कि आप लोग भी बैठे बैठे बातें ना करें, बल्कि चल फिर लीजिए थोड़ा, इससे शरीर अच्छा रहेगा। अरे 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 अरे, क्या कहा तुमने? सिर्फ बैठे बैठे बात करते रहते हैं, उठते नहीं, चलते नहीं, हाँ तुम्हारी ये हिम्मत। ठीक कहा आपने गजराज, इतना दुस्साहस, दो बित्ते का जीव और इतनी बड़ी बड़ी बातें। देखिए आप लोग बड़े हैं, पर बीच बीच में हम जैसे छोटे छोटे प्राणियों से भी कुछ कुछ सीखना चाहिए, समझे? नहीं नहीं, बहुत हो गया, हमारा अपमान और बर्दाश्त नहीं होगा। देख लेते हैं, चलो हरा सकोगे, हरा सकोगे कछुए को दौड़ में? अब तो आपने हंसाई दिया, कछुआ भैया के साथ प्रतियोगिता। मैं तो रेडी हूँ। ठीक है फिर, कल सुबह यहीं से प्रतियोगिता शुरू होगी और खत्म होगी 4 कोस दूर। देखते हैं फिर कौन जीतता है। ठीक है, वक्त पर आ जाऊंगा मैं, तो मैं अभी चलता हूँ। कछुआ दादा बुरा मत माना, तुमसे बिना पूछे तुम्हारा नाम दे दिया मैंने रेस में, अब मैं क्या करूँ, वो खरगोश ने इतना दिमाग खराब कर दिया था मेरा। आपने जो किया ठीक ही किया गजराज, जुबा देता हूँ कि मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। शाबाश, यही तो चाहिए, सुबह मुलाकात होगी। इसके बाद हाथी और कछुआ अपने अपने घर लौट गए। इसके बाद अगली सुबह जैसे ही सूरज भैया बाहर निकले, वैसे ही जिस पेड़ के नीचे से रेस शुरू होने की बात की थी, वहाँ हाथी और कछुआ इंतजार कर रहे थे खरगोश का। कुछ देर बाद खरगोश की एंट्री हुई। हाँ भाई खरगोश, देरी क्यों हुई? अरे मैं सो गया था, उठने में देरी हो गई। तो रेस के लिए रेडी? हाँ हाँ मैं रेडी हूँ। अरे कौए, तुम रेस जहाँ खत्म होगी वहाँ चले जाओ, तुम देखना कौन पहले जीतेगा। ठीक है मैं चला जाता हूँ। मेरे 3 बोलते ही रेस शुरू होगा। कछुआ भाई आप रेडी तो है ना? हाँ गजराज। 1, 2, 3। खरगोश तो तुरंत दौड़ना शुरू करता है और जंगल में आगे निकल जाता है, और कछुआ भाई तो अति धीरे धीरे एक एक पैर चलकर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। दोनों बूढ़े तो पागल हो गए हैं। गजराज मैं फिर जाता हूँ रेस की जगह पे, रुको आप। हाँ जाओ जाओ जाओ। कौआ बहुत उड़ने के बाद देखता है कि खरगोश एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा सा सो रहा है। क्यों भाई थक गए क्या? हाँ जरा सुस्ता लेता हूँ और क्या, कछुआ भाई तो अब भी शायद बहुत पीछे होंगे, वो जो चलते हैं ना थोप थोप करके छोटे छोटे पैरों से। हाँ सही बोला भाई सही बोला, चलो भाई मैं चलता हूँ, बताओ कब मिलोगे तुम? 15-20 मिनट में तो पहुँच ही जाऊंगा, थोड़ा सुस्ता लेता हूँ, आ जाऊंगा मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। खरगोश पेड़ के नीचे बैठा सुस्ता रहा था, पर उसे ठंडी पेड़ की छाया के नीचे कब उसकी आंख लग जाती है उसे खुद भी नहीं पता चलता। इधर कछुआ छोटे छोटे पैरों से चलता रहता है अपने लक्ष्य की तरफ, और अचानक उसकी आंख खुलती है और उसे याद आती है रेस की बात। हरे राम, कब से मैं सो रहा था? कोई ना, रेस तो अभी भी बाकी ही है, लगता है कछुआ भाई अब भी बहुत दूर ही है, निकल लेता हूँ, शायद पहले ही पहुँच जाऊंगा, कितनी ही देर हुई होगी, रेस तो मुझे जीतना है।
इसके बाद खरगोश लक्ष्य पर पहुंचते ही आ गया आ गया आ गया। अरे तुम पहुंच गए, मुझे लगा तुम तो आ ही नहीं पाओगे। दरअसल थोड़ा सुस्ता रहा था मैं, पता ही था कछुआ भाई से तो पहले ही पहुंच जाऊंगा। तो कछुआ भाई हैं कितनी दूर हैं कौवा भाई? अरे तुम्हारी नींद अभी तक नहीं टूटी क्या? सही बोले हो कौवे, उधर देखो कौन बैठा है। हैं कछुआ भाई आ गए, मैं हार गया हूँ। पंगा मत लेना भैया। लूसी पूसी खाना खा लो, आओ लो खा लो। अरे पूसी का मछली देखकर तो बड़ा बड़ा लग रहा है। ये क्या? तेरी मछली मेरे मछली से बड़ा था। तो क्या हुआ? तो छोटा है ना, बड़ा मछली खाएगा तो तेरा पेट खराब हो जाएगा, इसीलिए मैं बड़ा वाला ले लिया हूँ और बदले में तुझे छोटा मछली दे दिया। वो देखो तुम्हारे लिए आंटी चिकन कबाब लेके आ रही है। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? आप मुझे एक बड़े मछली का टुकड़ा दिए थे ना, इसीलिए लूसी मुझे मार रहा है। छी, लूसी? हाँ मतलब वो क्या है ना, दोबारा अगर ऐसे तुम लोग किए ना तो मार मार कर तुम लोग का पिट लाल कर दूंगी। और सुनो मैं थोड़ा मार्केट जा रही हूँ, घर का अच्छी तरह ख्याल रखना तुम दोनों, ठीक है? ठीक है। हेलो 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 टॉम। हाँ टॉम, जल्दी आ जा मेरे पास। ठीक है अभी मैं आ रहा हूँ। ठीक है। हेलो, गुड इवनिंग लूसी। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आओ आओ आओ, तुम सब अंदर आओ, मालकिन आज घर पे नहीं है, सब हम लोग मिलते हैं थोड़ा पार्टी करते हैं। आओ 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 आओ। तुम्हें मार मार का तुम्हारा कचुमा ने। तुम्हारा पार्टी शार्टी कैसा हुआ लूसी? पचने में दो तीन दिन तो लग ही जाएगा।